भाजपा सरकार के राज्य में कांग्रेस शासित नगर निगम धर्मशाला की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। नगर निगम के गठन के बाद भाजपा सरकार ने एक बार भी मर्ज एरिया के विकास के लिए कोई ग्रांट जारी नहीं की है। वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार में सिर्फ 10 करोड़ रुपए मर्ज एरिया के लिए ग्रांट मिली थी। ग्रांट न मिलने के कारण अब नगर निगम मर्ज एरिया में मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम हो गया है। ऐसे में पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे नगर निगम को मर्ज एरिया का विकास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। भाजपा सरकार के राज में कांग्रेस शासित नगर निगम धर्मशाला की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। नगर निगम के गठन के बाद भाजपा सरकार ने एक बार भी मर्ज एरिया के विकास के लिए कोई ग्रांट जारी नहीं की है। वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार में सिर्फ 10 करोड़ रुपए मर्ज एरिया के लिए ग्रांट मिली थी। ग्रांट ना मिलने के कारण अब नगर निगम मर्ज एरिया में मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम हो गया है। ऐसे में पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे नगर निगम को मर्ज एरिया का विकास करना मुश्किल होता जा रहा है। नगर निगम को बने हुए लगभग 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी मर्ज एरिया से किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, जिससे नगर निगम की आय हो सके। दूसरी ओर नगर निगम शिमला के मर्ज एरिया को हर साल ग्रांट जारी की जाती है, जो धर्मशाला के साथ अन्याय है। आपको बता दें कि नगर निगम में कुल 17 पार्षदों में से 14 कांग्रेस समर्थित और 3 भाजपा समर्थित है। नगर निगम धर्मशाला के गठन के बाद अभी तक कोई स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है। स्टाफ की कमी के बारे में नगर निगम के हाउस में कई बार चर्चा होती है, लेकिन प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजने के अलावा कोई कदम नहीं उठाया गया। मर्ज एरिया में नगर निगम धर्मशाला के 17 वार्डों में से 9 नए वार्ड आते हैं। इससे साफ जाहिर है कि मर्ज एरिया में आधे से अधिक क्षेत्र आता है, जो क्षेत्रफल के आधार पर दोगुना से भी ज्यादा है। नगर निगम के मर्ज एरिया में 9 से लेकर 17 तक सभी वार्ड नए आते हैं। जब ये पहले काउंसिल थी, उस काउंसिल एरिया के जो 7 वार्ड बने थे और जो मर्ज एरिया की जो पंचायतें आई थी उसमें 10 वार्ड और इंक्लूड किए गए। और जब ये मर्ज एरिया और पुराना काउंसिल मिलकर जब ये कॉरपोरेशन बनी तो उसमें मर्ज एरिया ग्रांट उस वर्ष 10 करोड़ आई थी। और उसके बाद यहाँ मर्ज एरिया में जो लक्ष्य जो स्कीम चली थी, जो पंचायतों में मनरेगा थी और मर्ज एरिया से जो लोग उसमें शिफ्ट हुए, जो मनरेगा में काम करते थे वही लोग लक्ष्य में रजिस्टर्ड हुए। उसके बाद भी कुछ और भी रजिस्टर उसमें किए गए थे। उस समय लक्ष्य की 50 लाख रुपए आया था और 10 करोड़ रुपए मर्ज एरिया ग्रांट आई थी। लेकिन उसके बाद लक्ष्य में एक बार 60 लाख आया और इस वर्ष 50 लाख और आया हुआ, लेकिन मर्ज एरिया ग्रांट सिर्फ एक ही साल में एक ही टाइम पे आई 10 करोड़। और उसके बाद कॉरपोरेशन में और मर्ज एरिया ग्रांट नहीं आई। तो हमने अभी हाल ही में पिछले हाउस में हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि जैसे शिमला में मर्ज एरिया ग्रांट हर वर्ष दी जाती है, जो कि हमारी जानकारी में आया था, तो जो जैसे शिमला में 10 करोड़ मर्ज एरिया ग्रांट जो आती है उस बेस पे धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मर्ज एरिया ग्रांट दी जाए। और इस हाउस में हमने 10 करोड़ के लगभग पास किया कि हमें 10 करोड़ दिया जाए, लेकिन सरकार के ऊपर है, वो शिमला की तर्ज पे हमें हर वर्ष देना चाहती है तो हर वर्ष दे सकती है, लेकिन हमें मर्ज एरिया ग्रांट हमें भी मिलनी चाहिए। क्या संबंधित जो मंत्री हैं उनसे भी आपकी इस बारे में बात हुई है? हमारी अभी हमने हाउस में इसमें अप्रूव किया और उसके बाद फोनिकली मैंने यूडी मिनिस्टर को बताया था कि हमें भी मर्ज एरिया ग्रांट दी जाए। तो हमें मिनिस्टर ने हमें आश्वासित किया है कि इसकी बात वो सरकार से करेंगे और जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगे प्रदेश की गतिविधियां।